कहते हैं जो जीता वही सिकंदर और हारी हुई बाजी को जो पलट दे वो बाजीगर। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया के वही दो बाजीगर हैं जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ आखिरी T20 मुकाबले में हारी हुई बाजी को पलट दिया। श्रीलंका के हलक से जीत करने वाला छीन लिया है दोनों खिलाड़ियों ने। रिंकू और सूर्या के कमाल से ही नतीजा ये है कि भारत T20 सीरीज में क्लीन स्वीप करने में कामयाब रहा, नहीं तो श्रीलंका ने सीरीज के नतीजे को 1-2 तो करने का पूरा प्लान बना लिया था। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के तीसरे मैच में अंतिम की 12 गेंद यानी कि आखिर के 2 ओवर में रिंकू और सूर्य कुमार की बाजीगरी दिखी। श्रीलंका को आखिरी 12 गेंदों पर जीत के लिए चाहिए थे सिर्फ 9 रन और उसके हाथ में थे 6 विकेट, यानी जीत श्रीलंका की मुट्ठी में थी, उनके दरवाजे पर खड़ी हुई थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक आखिरी गेंद पड़ ना जाए तब तक खेल खत्म नहीं होता। अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट और कल कुछ वैसा ही देखने को मिला। इस मैच में बिल्कुल ऐसा ही होता हुआ दिखा, लेकिन उससे भी पहले जो हुआ वो हैरान करने वाला था। जब श्रीलंका जीत के दरवाजे पर खड़ा था, भारत के नए T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रिंकू सिंह को थमा दी गेंद और ये 19वां ओवर था। अब इसके पीछे गौतम गंभीर का प्लान था या फिर सूर्य कुमार यादव का खुद का दिमाग था उसका तो अभी पता नहीं है, लेकिन मैदान पर लिया गया कप्तान सूर्या का यह फैसला टीम इंडिया के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। कुशाल परेरा वैसे तो श्रीलंका के बहुत मंजे हुए बल्लेबाज हैं, लेकिन रिंकू सिंह ने उनके सामने दिलेरी से गेंद डाली। पहली गेंद पर कोई रन नहीं दिया और दूसरी गेंद पर 46 रन पर खेल रहे परेरा का विकेट भी चटका दिया, वो भी खुद ही कैच करके। कुशाल परेरा का विकेट चटकाने के बाद अगली 3 गेंद पर रिंकू ने सिर्फ 3 रन दिए। इसके बाद 19वें ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने रमेश मेंडिस को भी चलता हुआ कर दिया मैदान से। इस तरह 19वें ओवर में 3 रन देकर रिंकू ने 2 विकेट निकाल दिए। हालांकि काम अभी भी पूरा नहीं हुआ था। श्रीलंका की जीत की राह अभी भी बेहद आसान थी क्योंकि उसे आखिर के ओवर में सिर्फ 6 रन बनाने थे और हाथ में अभी भी 4 विकेटें थी। अब टीम इंडिया के सामने सवाल था कि आखिरी ओवर कौन डालेगा, और इस सवाल का जवाब बनकर जब खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव सामने आए तो दुनिया भर के क्रिकेट फैंस क्या खुद टीम इंडिया के खिलाड़ी भी सरप्राइज हो गए। सूर्य कुमार ने 20वें ओवर की शुरुआत रिंकू सिंह के अंदाज में ही की, पहली गेंद पर कोई रन नहीं और दूसरी गेंद पर विकेट भी आ गया। उन्होंने कमिंदु मेंडिस को आउट किया, फिर अगली ही गेंद पर महेश तीक्ष्णा का भी विकेट ले लिया। लगा कि कप्तान साहब हैट्रिक भी लगा देंगे, हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। चौथी गेंद पर आशिका फर्नांडो ने 1 रन लिया जबकि 5वीं गेंद पर विक्रमा सिंघे ने 2 रन बनाए। अब अंतिम गेंद पर श्रीलंका को जीत के लिए चाहिए थे 3 रन। विक्रमा सिंघे स्ट्राइक पर थे, सूर्या की अंतिम गेंद पर उन्होंने 3 रन तो नहीं लिए लेकिन बेशकीमती 2 रन अपनी टीम के खाते में डाल दिए। अब मैच यहां से हो गया टाई। कमाल की बात यह रही कि भारत का सुपर ओवर जीतने का रिकॉर्ड इस साल जबरदस्त रहा है और अपनी उसी कामयाबी को उसने यहां भी दोहराया। भारत की ओर से सुपर ओवर डालने आए वॉशिंगटन सुंदर ने पहले श्रीलंका के 2 विकेट सिर्फ 4 गेंदों में ही गिरा दिए। उसके बाद जीत के लिए भारत को सुपर ओवर में 3 रन का लक्ष्य मिला था, उसे सूर्य कुमार यादव ने पहली ही गेंद पर चौका मारकर हासिल कर लिया। इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। कैसा लगा आपको कल रात का मैच जिसकी लगातार चर्चा हो रही है, वो एक्सपेरिमेंट्स रिंकू सिंह को ओवर देना हो या फिर खुद गेंदबाजी करना हो, सब कुछ जो भी आपको फील हुआ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम दिपेश है, बहुत बहुत शुक्रिया।